नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कोच तहसील के ग्राम दिरावटी में राजस्व न्यायालय लगाया गया, जिसमें ग्राम सभा पर कब्जे से संबंधित मुकदमों का स्थलीय निरीक्षण कर निस्तारण किया गया। इस दौरान ग्रामवासी भी मौजूद रहे। कोरोना के चलते मौजूदा समय में वादी मौजूद नहीं हो रहे थे, जिसके कारण मुकदमे लंबित हो रहे थे, जिस कारण राजस्व न्यायालय गांव में लगाए जाने का निर्णय लिया गया। जिसका खर्च भी आपको देना पड़ेगा और जब से आप लगाए हो तब से उसका जुर्माना भी देना पड़ेगा, यानी आप जमीन से भी जाओगे और साथ ही साथ आपकी धन की भी हानि और होगी। ऐसी स्थिति में अगर आप स्वतः हटा लेंगे तो ये अच्छी चीज होगी आपके लिए और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर से भी आप बच जाएंगे। पता चलेगा फिर कोई आदेश होगा, आप अपील में जाएंगे कलेक्टर साहब के यहाँ, उसके बाद आप जाएंगे हाई कोर्ट में, क्योंकि सुरक्षित श्रेणी की जमीन है इसलिए आप उसको हटाना ही पड़ेगा। तैयार हैं आप हटाने को? सर, आज आपके द्वारा राजस्व न्यायालय द्वारा गांव में ये चौपाल लगी, सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कई सारे ग्रामवासियों के अवैध अध्यासन संबंधी मुकदमे तहसील में योजित हैं। पता चलता है कि वो कचहरी वहाँ पर जाते हैं, तहसील में जाते हैं, वहाँ पर पता चला पीठासीन प्रशासकीय कार्यों में व्यस्त हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और धन की भी उनकी हानि होती है, आने जाने का व्यय, अधिवक्ताओं का खर्च। तो ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया कि जो भी ग्राम सभा के मुकदमे लगे हुए हैं उनको गांव-गांव में राजस्व न्यायालय लगा करके वहीं पर समझौते के आधार पर उन्हें समझा करके उनका कब्जा हटवा करके इन मुकदमों का निर्णय कर दिया जाएगा, जिससे कि धन और समय दोनों की बचत होगी।